Good morning students. Hope you and your family are safe and healthy at home. Students, we are going to start our half yearly examination syllabus. So today I am going to explain you science chapter 3 of class 5. In this chapter, we are going to study about the muscular and the skeleton system of our body. Students, please open your page number 24.

फॉर अस इन मेनी वेज इट गिव सपोर्ट टू आवर बॉडी वो हमारे बॉडी को सपोर्ट देता है अगर वो ना रहे तो हमारा बॉडी जो है बिल्कुल एक बटर के तरह सॉफ्ट हो जाएगा जिसके वजह से हम लोग कोई एक्टिविटीज नहीं कर पाएंगे द नेक्स्ट वन इज इट हेल्प टू डू वेरियस एक्टिविटीज वो हम लोगों को वेरियस एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग रनिंग जम्पिंग एक्सेट्रा ये सब करने में हमारी मदद करता है नेक्स्ट क्या है इट प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गेन्स लाइक लंग्स किडनीज, हार्ट ये सब को हम लोगों को प्रोटेक्ट करके रखता है स्टूडेंट ऑल नो डेट वेन चाइल्ड इज बोर्न जब कभी भी एक चाइल्ड बोर्न होते हैं उनके पास 300 हंड्रेड बोन्स होते हैं मगर जैसे जैसे वो बड़े होने लगते हैं बहुत सारे बोन्स जो है एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं और फाइनली टू हंड्रेड सिक्स बोन्स हमारे बॉडी में हो जाते हैं बोन बोन्स जो होते हैं बहुत हार्ड होते हैं और उसके अंदर जो है वो बिल्कुल हॉलो होते हैं और इस हॉलो तो मीन खोखला होते होतेलो के अंदर जो है एक लिक्विड सब्सटेंस पाया जाता है जिससे हम लोग बोन मैरो हैं मैरूप नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम द वट आर डिफरेंट पार्ट ऑफ स्केलेटन सिस्टम स्कल बैक बोन रिपकेज लिम्स आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ स्केलेटन सिस्टम सो लेट स्टार्ट विद स्कल वट इज स्कल हम लोग का हेड जो है हेड का जो हड्डियों का जो फ्रेमवर्क है उसे हम लोग स्कल कहते हैं स्कल हमारे ब्रेन, ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखते हैं और स्कल में जो है वो 22 टू बोन्स होते हैं 22 टू बोन्स में से 14 बोन्स जो है हमारे फेस को बनाने में हेल्प करते हैं और बाकी जो बचा हुआ जो आपका एट बोन्स है वो हमारे ब्रेन को फॉर्म करने में हेल्प करती है नेक्स्ट वन इज बैकबोन व्हाट इज बैकबोन हमारे रीट रीट की हड्डी को हम लोग बैकबोन कहते हैं इसको हम लोग वर्टिकल कॉलम या स्पाइनल कॉर्ड भी कर सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिकल कॉलम जो है वो थर्टी टी सीरीज ऑफ स्मॉल बोन्स से बने हुए रहते हैं जिसको हम लोग वर्टी ब्रा कहते हैं ये जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखते हैं और हम लोगों को स्टैंड स्ट्रेट रहने में हेल्प करती है नेक्स्ट वन इज रिथकेज हमारे चेस्ट जो है चेस्ट के चारों तरफ जो है एक केज के तरह हड्डियों का ढांचा बना हुआ है जिसे हम लोग केज कहते हैं केज में जो है वो टूवेल्व पेयर्स यानी ट्वेंटी फोर बोन से ये बने हुए रहते हैं इनका मेन फंक्शन क्या है हमारे इंटरनल ऑर्गेन जैसे हार्ट लंग्स प्रिन ये सबको जो है वो प्रोटेक्ट करके ये रखते हैं नेक्स्ट वन इज लिम्स हि नवर बॉडी डियर आर टू काइंड्स ऑफ लिम्स हमारे आर्म्स के लिम्स को फोल्ड लिम्स कहते हैं हमारे लेग्स को लिम्स को हम लोग हिंड लिम्स कहते हैं नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट फोल्ड लिम्स हमारे आर्म्स के जो ऊपर वाले जो बोन है उस बोन को हम लोग ह्यूमरस कहते हैं ये जो ह्यूमरस जो है हमारे एल्बो के साथ जॉइंट होते हैं और एल्बो के नीचे जो बोन से उसमें टू बोन्स होते हैं जो आ, उसमें छोटे छोटे बोन्स भी होते हैं नेक्स्ट वन इज हमारे पैर के जो लेग्स अपर पार्ट ऑफ बोन ऑफ लेग इज कॉल्ड फेम्यूर फेम्यूर जो है वो हमारे बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट है बोन है ये फेम्यूर जो है हमारे नी के पास जाके ज्वाइंट होता है नी के नीचे जो भी टू टाइप्स ऑफ टू बोन्स होते हैं जो जाके फूट और टोज में मीट करते हैं स्टूडेंट दिस वॉज ऑल अबाउट दिट सिम नाव आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द जॉइंट्स वाट आर जॉइंट वेन द टू बोन्स मीट एट इंट इज कॉल द ज्वाइंट मीन्स जब कभी भी दो बोन्स जो एक जगह पर जाके जुटते हैं उसे हम लोग ज्वाइंट्स कहते हैं जिस तरह से बोन्स जो है एक जगह पर जाके मीट करते हैं उस मीटिंग पॉइंट पर जो है एक स्ट्रॉन्ग फाइबर्स की जरूरत पड़ती है जिसे हम लेगा मीन्स कहते हैं स्टूडेंट्स दे आर आर टू काइंड ऑफ ज्वाइंट ज्वाइंट जो है वो टू टाइप्स के होते हैं फर्स्ट वन इज मूवेबल ज्वाइंट्स सेकेंड वन इज इमूवेबल ज्वाइंट वट इज मूवेबल ज्वाइंट जो बोन्स को हम लोग मूव कर पाते हैं जिसमें लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस रहता है जो उनको मूव करने में मदद करती है उसको हम लोग मूवेबल ज्वाइंट कहते हैं एंड इमूवेबल ज्वाइंट्स आर दो ज्वाइंट्स विच डज नॉट मूव लाइक स्कल स्कल के जो बोन्स होते हैं वो मूव नहीं हो पाते है इसलिए हम लोग उसको इमूवेबल ज्वाइंट कहते हैं नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्यू ऑफ द मूवेबल ज्वाइंट फर्स्ट वन इज पाइवेट ज्वाइंट पाइपेट ज्वाइंट क्या है हमारा जो नेक है नेक और हेड का जो ज्वाइंट है उसे हम लोग पाइपेंट ज्वाइंट कहते हैं इस ज्वाइंट में क्या होता है एक ज्वाइंट जो होता है वो राउंड शेप का होता है और दूसरा जो बोन होता है वो रिंग टाइप का होता है जो एक दूसरे के साथ फिट होते हैं फॉर एग्जांपल हम लोग का नेक है नेक का और ये हेड का जो ज्वाइंट जो है इसको हम लोग पाइपेट ज्वाइंट कहते हैं नेक्स्ट वन इज हिंड ज्वाइंट हिंड ज्वाइंट जो है बिल्कुल हमारे घर का जो डोर होते हैं जिसमें जो हिंच लगे हुए रहते हैं सेम उसी की तरह वो वर्क पड़ता है जैसे हमारा एल्बो भी हम लोग एल्बो को सिर्फ अप कर सकते हैं और डाउन कर सकते हैं इसका दो ही मूवमेंट है जिस तरह से दरवाजा का दो मूवमेंट है सिर्फ हम लोग फॉरवर्ड और बैकवर्ड कर सकते हैं सेम इसका भी हम लोग उसी तरह से कर सकते हैं द नेक्स्ट ग्लाइडिंग ग्लाइडिंग में क्या होता है एक बोन दूसरे के ऊपर ग्लाइड किया रहता है जिसके कारण हम लोग उस पॉइंट पे हम लोग उस ज्वाइंट के द्वारा ग्लाइडिंग ज्वाइंट के द्वारा हम लोग ज्वाइंट को जो है वो अप डाउन लेफ्ट राइट मूवमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट वन इज बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में क्या होता है एक बोन जो होता है बिल्कुल बॉल टाइप बॉल शेप के होते हैं और दूसरा जो ज्वाइंट का जो शेप रहता है बिल्कुल कप शेप का रहता है इसमें क्या होता है एक बोन जिसका बॉल शेप का रहता है वो कप शेप में जाके फिट हो जाते हैं जैसे कि हम लोग का शोल्डर का हिप्स का जो ज्वाइंट होते हैं उसे हम लोग बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट को कहते हैं सुरेन दिस वॉज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ ज्वाइंट नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट मस्कुलर सिस्टम ऑफ आवर बॉडी सो स्टूडेंट्स हम लोगों को पता है हम लोगों का बॉडी में जो है वो सिक्स हंड्रेड बोन्स होते हैं जिस तरह से आ, बो, बोन्स जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं सेम उसी तरह से मसल्स जो है वो बोन्स के साथ अटैच होते हैं और अटैच होने के लिए उनको एक स्ट्रॉन्ग फाइबर्स की जरूरत पड़ती है जिसको हम लोग टेंडर्स कहते हैं है? हम लोगों को पता है हम लोगों का बॉडी में जो है सिक्स हंड्रेड मसल्स होते हैं मसल्स आर ऑफ टू सॉरी थ्री टाइप्स मसल जो है वो थ्री टाइप्स के होते हैं वॉलेंटरी मसल्स इन वॉलेंटरी मसल्स और कार्डिक मसल्स नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल अबाउट दिस फर्स्ट वन इज वॉलेंटरी टरी मसल्स क्या है जिस जो ब, बोन्स के साथ अटैच होते हैं और जिसका कंट्रोल हम लोगों के पास होता है उसे हम लोग वॉल्ट्री मसल्स कहते हैं फॉर एग्जाम्पल हैंड लेग ये सब क्या हम लोग अपने कंट्रोल में रखते हैं हम लोग चाहे तो उसको अप कर सकते हैं हम लोग चाहे उसको डाउन कर सकते हैं जिस टाइप ऑफ मसल इज कॉल्ड वॉल्टरी मसल्स नेक्स्ट इज इन वॉलेंट्री मसल इन वॉलेंट्री मसल जो होते हैं वो बोन्स के साथ अटैच नहीं होते हैं और वो हम लोगों के कंट्रोल में नहीं होते वो अपना मूवमेंट जो है वो खुद से करते हैं फॉर एग्जाम्पल मसल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन स्टोमक ये सब का मसल जो है वो हम लोगों के कंट्रोल में नहीं होता है थर्ड वन इज कार्डिक मसल कार्डिक मसल भी सेम इनवॉलेंट्री मसल्स के तरह ही होते हैं। वो बोन्स के साथ अटैच नहीं होते हैं और साथ ही साथ उनका कंट्रोल भी हम लोगों के पास नहीं होता है द मसल ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डिक मसल मीन्स हार्ट का जो हार्ट में हार्ट जो जिस मसल से बने हुए हैं उसको हम लोग कार्डिक मसल्स कहते हैं हार्ट जो है वन डे में वन लाख टाइम बीट करता है वो इसलिए बीट कर पाता है क्योंकि उसमें कार्डिक मसल से वो बना हुआ हुआ होता है स्टूडेंट दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ मसल नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द मूवमेंट ऑफ मसल्स मीन्स हमारा मसल जो है वो मूव कैसे करते हैं स्टूडेंट्स हम लोगों को मैं अभी आपको बताई मसल्स जो है वो बोन्स के साथ अटैच होती है हम लोगों का आर्म जो है आर्म का जो अपर फ्रंट साइड का जो मसल्स होते हैं उसको हम लोग बाइसेप्स कहते हैं और बैक साइड्स का जो मसल है उसको हम लोग ट्राइसेप्स कहते हैं। हमारा जब कभी भी हम लोग लोअर आर्म रेस करते हैं तो आप ध्यान देते होंगे हम लोग का सामने का अपर मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट मीन्स फूल जाते हैं और पीछे जो ट्राइसेप्स मसल्स जो है वो रिलैक्स कर जाते हैं सेम अगर हम लोग हैंड्स अगर डाउन कर लेते हैं तो ये ठीक इसका ऑपोजिट होने लगता है हम लोगों का जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं और ट्राइसेप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट uh, हो जाते हैं तो मसल जो है वो इस तरह से वर्क करते हैं आप चाहे तो इसको घर में ट्राई करके देखिएगा ये सेम इसी पैटर्न से ये जो है वर्क करता है स्टूडेंट दिस वाज स... All about in this chapter. I have explained this chapter in very brief. But I request you to read this chapter thoroughly so that you understand the chapter more properly. But still, if you have any doubts or queries, please comment on our WhatsApp group. Thanks. Bye.